प्रश्न है यहाँ पर। आज हम देव के प्रश्न कर रहे हैं, देव के कवित्व जो हैं उसके प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, देव कवि का जन्म कौन से सन में हुआ था? सन 1673 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में। इनकी मृत्यु कौन से सन में हुई थी? सन 1767 में। देव कौन से काल के कवि हैं? वह रीति काल के कवि हैं। किंकिनी कहाँ पर पहनने वाला आभूषण होता है? तो कटी यानी कमर में पहना जाता है, किंकिनी उसे कहते हैं जो कमर में करघनी पहनी जाती है। उसके बाद प्रश्न आता है, पायनी नुपुर मंजू बजे इस सवैया में किसका वर्णन किया गया है? इसमें कृष्ण का वर्णन किया गया है। आपको मैं ये बता रही हूँ कि आप ये सब प्रश्न पढ़ करके लिख करके याद कर सकते हैं, अत्यंत उपयोगी प्रश्न हैं। फिर प्रश्न आता है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर कौन से रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं? तो उन पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री कृष्ण के माथे पर क्या सुशोभित हो रहा है? किरीट। किरीट का तात्पर्य होता है मुकुट। कवि ने जग मंदिर दीपक सुंदर किसे कहा है? कवि ने जग मंदिर दीपक सुंदर श्री कृष्ण को कहा है। कवि ने श्री ब्रज दूल्हे किसे कहा है? ये भी श्री कृष्ण को कहा है। दारिद्रुम पलना कवित्व में कवि ने कौन सी ऋतु का वर्णन किया है? यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन है। कवि ने बसंत का किस रूप में वर्णन किया है? बालक के रूप में वर्णन यहाँ पर किया गया है। बालक बसंत ने किसके वस्त्र पहने हुए हैं? फूलों के। बालक बसंत को झूला कौन झूला रहा है? पवन झूला रही है। के की कीर यहाँ पर कौन है? मोर और तोता यहाँ पर केकी और कीर कहे गए हैं। पूरित पराग सों उतारो करई राई नून, क्या उतारा जा रहा है यहाँ पर? नज़र उतारी जा रही है राई और नमक से। नज़र जो उतारते हैं उसे राई नून कहा जाता है। कंजकली किस फूल की कली है? यहाँ पर कमल की कली को कंजकली कहा है। बसंत कौन से महीप का बालक है? मदन महीप का बालक है। बालक बसंत को सुबह कौन जगाता है? गुलाब जगाता है। फटिक सिलानी सो कवित्व में किसका वर्णन किया गया है? राधा का वर्णन किया गया है। देव के सवैया और कवित्व की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। राधा की सखियाँ किसके जैसी हैं? तारा जैसी हैं। आंगन में किसका फैन फैला हुआ है? दूध का। मकरंद शब्द का क्या अर्थ है? मकरंद होता है फूलों का रस। पवन झुलावें के कीर बतरावें, यहाँ पर कीर का अर्थ है तोता। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जुन्हाई का अर्थ है चांदनी। पवन झुलावें के कीर बतरावें, यहाँ पर केकी किसको कहा है? मोर को कहा है। श्री कृष्ण ने नुपुर कहाँ पहने हैं? नुपुर पायल होती है और पैरों में पहनी जाती है। श्री कृष्ण ने किरीट कहाँ पर पहना हुआ है? किरीट हमेशा माथे पर पहना जाता है और मुकुट को किरीट कहा जाता है। श्री कृष्ण कटी में क्या पहनते हैं? किंकिनी। किंकिनी यानी कमर में वो क्या पहनते हैं? करघनी पहनते हैं, जिसे किंकिनी भी कहा जाता है। जुन्हाई शब्द का क्या अर्थ है? जुन्हाई का अर्थ है चांदनी। मदन शब्द का क्या अर्थ है? मदन का अर्थ है कामदेव। श्री ब्रज दूल्हे देव साही में देव का क्या अर्थ है? कवि देव। श्री कृष्ण ने माथे पर क्या धारण किया हुआ था? मुकुट धारण किया हुआ था। यदि आपको किसी और चैप्टर के वन लाइनर्स प्रश्न पढ़ने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।